चलिए देखिए मेरे भाई ये क्या है, यहाँ पत्थर होंगे और रॉड इसलिए है क्योंकि आपने उल्टा दिमाग लगाया है। अरे इसने बता रहे मौसम को गलत कर देना लारा तुम्हारी जिंदगी में अरे अरे मेरे रामाचंद्र तुम मेरे बारे में बता देगा, तुम मेरे पुराने फ्रेंड है। हेलो रामाचंद्र प्रो कैरियर से तुम्हें मिस्टर रामाशंकर Thank you.
अरे दिमाग में लिखो, दिमाग में इसमें तो सब कुछ लिखता है यार। जो करा रहे यार भेज बताओ। गोल का जरिया बढ़ाने का अपना तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे बैठा लेगा। आइए आइए आइए, काम की बात करते भैया। देखिए भैया क्या पाए टाटा ये दिख रहा था क्या क्या नहीं चलती आप बता। अगर प्यार जिंदगी से लड़ने लगी तो हम भी प्यार करें। लेकिन मेरे गांव के एक आदमी मेरी ही फैमिली के एक नाम मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लड़की का केस हुआ। रॉन्ग केस यार, ऐसे केस ना होने चाहिए। आइए मैं तुम्हें कहता हूँ कि दिस इज दिनेश या माई सेल्फ दिनेश। अगर ये ब्रेक पॉइंट बोलते हो वो उन्हीं दो पॉइंट के बीच में पॉइंट को हटवा कर ये पॉइंट नोट करवाया हो। क्या अगर ये पॉइंट बोलूँ तकलीफ हो गया? नहीं तकलीफ है। कुछ मत उतारो, सब नोट्स में छपा है, बस यहाँ पे छापने की कोशिश करो दिमाग में। ये रहा आपका दिस दिनेश वाला पॉइंट। भैया एक मैं पॉइंट अच्छा निकालने की कोशिश करूंगा। ये रहा बात नेम और प्लेस की। नेम एंड प्लेस PLAC। अगर मैं पहला पॉइंट है नेम जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरा प्लेस जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करके खत्म कर चुका हूँ, तो भैया ये पॉइंट ही खत्म कर चुका हूँ। तो ये पॉइंटों का पॉइंट नहीं है, ये महापॉइंट है। इसका ये पॉइंट है आपके इंट्रोडक्शन का। पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इन द पेश ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, बहुत महान पॉइंट है भैया। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट तो एम ए आई एम। भैया आपका एम क्या है? एम इस दुनिया में हर कोई स्टडी कर रहा है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पढ़ता पढ़ाता है। तो भैया पढ़ता पढ़ाता मतलब ये हो गया कि किस लाइन को सबसे करेंगे यार, कैसे गलत डायरेक्शन में चलेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना भैया, बिल्कुल नहीं कर सकता। भैया कुछ ना कुछ तो बनने के लिए इंसान पढ़ता है। क्या क्या बनता? मैंने पूछा था अपने वहाँ नीचे वाली क्लास में, भैया तुम क्या बनना चाहते हो? लड़की से पूछा था। तो पहले तो मैं पूछा क्या नाम है, नाम बताया। मैंने डैडी का नाम बताया, डैडी का नाम बताया। मम्मा का नाम बताया, मम्मा का नाम बताया। मैंने बोला एम क्या बेटा? छोटी लड़की है, छोटी 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 बोला एम का मतलब होता है। मैंने कहा लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या? बोला लक्ष्य का मतलब मुझे नहीं पता। मैंने कहा डॉक्टर बनना है, डाकू बनना है? बोला डाकू बनना है। डॉक्टर डाकू बनने का नहीं पता। क्या गुरु पढ़ाने का समय होगा? मनुष्य अगर हो तो आपका टारगेट होना चाहिए। अगर टारगेट नहीं तो कुछ नहीं लाइफ में। हर चीज पर फिक्स करना तो टारगेट के हिसाब से फिक्स करो। बिना टारगेट तो कोई काम ही ना होता। लोग पढ़ भी रहे तो जब आपने पैर के लिए पढ़ रहे क्या? ये बताओ तुम जम के पढ़ाई करो, नौकरी प्राप्त करो, अगर स्टैम्प पेपर लिखवा दो आज ही, भैया मैं नौकरी करूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन नौकरी के एक रुपये अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। मैं इस स्टैम्प पेपर सेंड करता हूँ, सारा पैसा गरीबों में बांटूंगा, एक रुपये भी नहीं लगाऊंगा। अपने लिए मैं कैसे बिना क्या खाऊंगा? क्या ऐसा कोई करता है? सब करते हैं, अपने लिए करते हैं। भैया एम का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है लक्ष्य? लक्ष्य भैया आपका लक्ष्य क्या है? तो आपका जो लक्ष्य है वो आप इंग्लिश में बताएंगे। मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी आई डब्ल्यू एन टी आई वांट बिकम बिकम गुड जी डबल ओ डी गुड जे मैंने डैश 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 मार दिया। यहाँ पे वही लिखना है डैश में आई वांट बिकम अ गुड। उसके बाद डैश में वही चीज करना जिसके अंदर जो बैठा हो, मेरे अंदर जैसे बैठा हो बैठा है डी ओ सी टी ओ आर आई। इसका मैथ में लिख दिया हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या करने जा रहा हूँ? भैया आई वांट बिकम अ गुड डॉक्टर, मतलब ये कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा इसे हिंदी में मतलब। तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसका हिंदी में मतलब है। इंग्लिश में कहते हैं आई वांट बिकम अ डॉक्टर। क्लियर ना? ये कुछ क्या है, समझा रहा हूँ।
जब मुझे पता ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, जल्दी कोई पकड़ कर पाएगा। अब ऐसे सब जल्दी बोलता नहीं तो आपके लिए कुछ संस्कार तो भूखे पिला भी नहीं है, आपके लिए नया नया है, लेकिन मेरे हिसाब से पिता पिता है। मुझे पता दीजिए ठीक है, तो आएगा डिप्लोमा डॉक्टर बना, समझा कि नहीं आया ना, आएगा नहीं आया, आया तो नेक्स्ट दिन ले सबको सुनिए, जरूरी नहीं क्या डॉक्टर बना जाते तो वार्ड नहीं लगाइए, वार्ड का मतलब चाइना होता है, ये दिमाग बिल्कुल गया कि नहीं गया, गया ना, वार्ड का मतलब क्या करना हो जाएगा करना, कुछ नहीं करना यार, सब टाइम पास होगा, कोचिंग टाइम पास करके पैसा देंगे, मैं सही कह रहा हूँ, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो समझना चाहते हो पढ़ाने वाले इंग्लिश बोलना चाहते हो कुछ नहीं करो, सीधे आओ, सीधे मॉडल के पीछे भागो, मॉडल ही स्पीकिंग है, स्पीकिंग ही मॉडल है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना, यहाँ तो समझ आएंगे आया आया ना, तो मॉडल ही सब कुछ है, क्लियर। भगवान का मतलब चाहना तो ये दूसरा मॉडल है, मैंने बोला कि आई वांट बिकम अ गुड डॉक्टर, आई वांट बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, आई देखो भैया आई वांट बिकम, यहाँ तक की अगर बात करते हैं, यहाँ तक की आई वांट बिकम, अगर हम आधे सेंटेंस बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं बनना चाहता हूँ। अरे मजे मजा भैया, मैं बनना चाहता हूँ, आई वांट आई वांट आई वांट, इनमें क्या बनना चाहता है, आई वांट बिकम अ गुड टीचर, आई वांट बिकम अ गुड डॉक्टर, आई वांट बिकम अ गुड इंजीनियर, आई वांट बिकम अ गुड सीफर्ड, सीफर्ड का मतलब क्या होता है, सीफर्ड को गिरा लिया, जो गाड़े को चलाते हैं जिनकी बड़े बड़े बाल होते हैं, distract,
हमें बात करने जा रहे हैं, बात सुनो भैया, बहुत कुछ बात है। भैया जैसे मैंने नेम एम और प्लेस पर नेम और प्लेस में दिया ढेर सारी, यानी दो तीन दिया, इसे कुछ केम दिखाने ठीक है, जो भी दिया भैया एम में भी मैंने आपको पाँच दे दिए। अरे ऐसी बात नहीं बताया तो यार कि एक ही सेंटेंस का पाँच बार पाँच तरीके से बोल सकते हो, एक ही सेंटेंस को जो स्टाइल पसंद है वही स्टाइल में पढ़ लेना, इनमें से किसी एक को याद कर लेना, बस अंग्रेजी बोल लेना, बाकी बच्चे सब याद कर लो। आज मैं पहला बंदा बोले तो ऊपर वाला बताओ, दूसरा बोले तो तीसरा वाला बताओ, चौथा बोले तो चौथा वाला बताओ, अलग अलग बताओ तो आप उनका किया जाए पगड़ा लेना। इस तरह ये चार चार तरीके से बदल बदल के बोला, इसका मतलब कहाँ से पड़ गया यार। अरे बहुत टॉप की चीज दे रहा हूँ, स्पीकिंग का जो कोचिंग करवाता ना उसके पास भी जल्दी मैटर मिलता नहीं है, एक ही वैरायटी है, एक ही वैरायटी कई क्वालिटी में, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी में दे रहा हूँ, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी ज़्यादा है। मेरे दोनों को यह पढ़ाएंगे एक दो लाइन लिखा दे, कई भैया इसके अंदर बस लो याद कर लो काम खत्म। अरे आप कंटेंट ही ऐसे हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा, ऐसे कंटेंट पढ़ाया कि दुनिया जल्दी मिलता नहीं, इसे हम लोग बहुत मिल जाता कंटेंट पढ़ाने के लिए हमको नहीं मिलता, हमसे मिले जिसको देना है। भैया ये है आपका तरीका, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इसमें है, गुणवत्ता है और मात्रा है, ठीक है। एम क्या लिखा है, एम एम को कहता है लक्ष्य, लक्ष्य कहता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं पहले पॉइंट बता चुका हूँ, आई वांट बीमा, आई वांट बिकम अ गुड डॉक्टर, पहला पॉइंट की जब क्रिया दुनिया होती है, दूसरा पॉइंट आई बनना, ये तो बहुत महान बात है, आई वांट बिकम अ गुड डॉक्टर काम करता हूँ, दूसरा तीसरा आई एम इरेलेवेंट की आई एम इन डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, बिकम अ गुड डॉक्टर आया कि नहीं आया, आया। देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है, मेरा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आई है आई आई एम कैन डिस्ट्रैक्ट अ गुड डॉक्टर, मतलब ये हो गया कि उसमें ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, ऐसे 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 मतलब सब इसमें पड़े हैं, यानी कि बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, चाहे जो हम लोग सोच रहे हैं उसका मेन मतलब नहीं बताओ, उसको जो बता रहा हूँ छोड़ने में वही है, लेकिन देखो तरीका अच्छे अच्छे सब लोग हैं, क्वालिटी बहुत सही है, ठीक है, बताने का तरीका बदल गया लेकिन मतलब वही है। मैं तो बताऊँ भैया ब्रांडेड चीज़ें बोलो दुनिया में, ब्रांडेड चीज़ सीखो, इनकी भी स्पीकिंग में सब कोर्स करवाओ, मेरे कोर्स मत लिखो, हमें ये बुक करी है, मेरे नाम से कोर्स मत लेना, जब कोई छाप लेना तो याद कर लेना, याद कराने की गारंटी लेकिन अच्छे से याद कराओ भैया, याद तक नहीं होगा चौथा नंबर देख लेते हैं, चलते मात्र चौथे के नाम से देना चाहिए, चौथे के नंबर पाँच ही है ऑलरेडी बिना चुके हैं, खतरनाक जल आई एफ ई
भैया तीसरा लास्ट पॉइंट कह रहा है, लास्ट पॉइंट नहीं है, ये एक प्रकार का हेडिंग, जैसे मैंने बोला कि नेम और प्लेस एम जैसा हेडिंग बोला उसके अंदर पढ़ाया भैया, ये भी आपकी एक हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल कौन है, तो आप लोग बिसोरी वाले जवाब दे देना मेरे प्रिंसिपल का नाम ये है। गलत बात है, वो प्रिंसिपल की बात नहीं चल रही है, आपके जीवन की प्रिंसिपल बात चल रही है कि आपके लाइफ को प्रिंसिपल कौन है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब कोई टीचर नहीं होता, जैसे हम जैसे कोई स्कूल हो गया तो स्कूल में कोई मुख्य होगा उसको आप लोग प्रिंसिपल बोल देते, वो प्रिंसिपल नहीं है भाई, वो जो हेड है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, क्या होता है सिद्धांत। थोड़ा इंग्लिश हिंदी कमजोर है यार, थोड़ा गलत निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश तलक लिखो तलक लिखो मुझे काटो सिद्धांत काटो पाव लेके दे पर समझ समझ आई डोंट नो इंग्लिश भैया। प्रिंसिपल का मतलब कौन सिद्धांत, आपके जीवन का सिद्धांत क्या है, ये सब पता है जरा पाव के लिए सिद्धांत को देखते रहो, सिद्धांत को देखते रहो।